नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। अमूमन ये देखा जाता है कि जो क्लास का गणित होता है वो ज़िंदगी में काम नहीं आता है, पर आज मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, यकीनन आपकी ज़िंदगी में एक आई ओपनर होने वाला है। अमूमन हम सब ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन बेचते भी हैं, पर ज़मीन खरीदते और बेचते वक्त एक छोटी सी गलती से हमें हज़ारों लाखों रुपये का नुकसान या किसी को फ़ायदा हो जाता है, जबकि जो फेयर बिजनेस है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने की बेच रहे ज़मीन है उतनी कीमत हमें अदा करनी चाहिए और दूसरे को भी इतनी बेचनी चाहिए, उतना मुनाफा कमाना चाहिए। पर आप देखिए, अब मैं एक एग्जांपल से ये क्लियर कर रहा हूँ कि आप ऐसी गलती करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि सब लोग नहीं, पर अधिकतर लोग तो ये गलती करते ही हैं और उसकी वजह से उन्होंने आज तक की ज़िंदगी में न जाने कितने हज़ारों लाखों रुपये का नुकसान उठाया भी होगा। तो आज इस वीडियो को जानने के बाद आप अगली बार से तो वो गलती ना करें, पिछले जो हो चुका जो हो चुका। ये वीडियो आप खुद भी देखें और साथ शेयर करना, जिससे ये एक सही गणित ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं कि हम गलती कहाँ करते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको, मैं आज की वीडियो में आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि हम जरा सी छोटी सी गलती से कितने हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान हमें उठाना पड़ता है। जैसे हम प्लॉट खरीदते हैं, तो जब हम प्लॉट को नापते हैं तो सामान्यतः प्लॉट को हम लंबाई चौड़ाई कैसे तरह देखते हैं। मान लो ये जो मैंने प्लॉट बनाया था आपके एक उदाहरण के लिए, ये 54 फुट 6 इंच का है, उसको हम इस तरह लिख देते हैं, और जो इसका चौड़ाई है 21 फुट 6 इंच की है। तो अब हम बात आगे बढ़ाते हैं कि भाई कितना एरिया के पैसे देने हैं, क्योंकि हमें जो दाम बताए जाते हैं वो वर्ग फुट में बताए जा रहे हैं कि इतने वर्ग फुट का है। कि मान लो एग्जाम्पल के लिए 500 रुपये वर्ग फुट हो सकता है, 5000 रुपये वर्ग फुट हो सकता है, वो एरिया पर डिपेंड करते हैं। तो आपको टोटल एरिया निकालने के लिए आप गुणा कर दोगे, तो 54 फुट 6 इंच की 21 फुट 6 इंच से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो जो आपका एरिया आएगा वो वर्ग फुट में आएगा। और अगर इन दोनों की आप गुणा करोगे 0.6 × 21.6, तो आपके पास एरिया आ चुका है 1179.36 वर्ग फुट। तो ये आपका एरिया आ गया। अब आप इसके जो भी रेट आपने तय किए हैं उस रेट से मल्टीप्लाई करोगे और उसके आप पैसे दे कर दोगे। तो मेरा ये कहना है, ये जो आपने गुणा भाग की है, जो आपने ये एरिया निकाला है, यही गलत निकाला है। और इसी गलती की वजह से आपको हज़ारों रुपए, क्योंकि ज़मीन की में तो एक एक इंच की कीमत होती है, तो आपको जिस तरह से रेट बढ़ रहे होंगे प्लॉट के उतने ज़्यादा नुकसान है। ये तो 500 रुपये लिए मैंने वर्ग फुट के, पर ज़मीन की कीमत तो 50,000 रुपये या 5,000 वर्ग फुट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मतलब तो उतने में जितना फ़र्क आएगा सही और गलत में, उतने आपको पैसे ज़्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। तो सामान्यतः हम ऐसे ही गुणा करते हैं और प्लॉट के वर्ग फुट निकालते हैं, रेट से गुणा कर देते हैं, तो इससे जो हमारे एक एक इंच की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। अगर आपको ये हज़ारों लाखों रुपए बचाने हैं तो देखते हैं सही तरीका क्या है। तो मान लो ये अभी हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 5,000 रुपये वर्ग फुट की कीमत है इसकी, तो इसकी 5,000 से गुणा और कर देंगे। अगर हमें पैसे में निकाल रुपए कितने रुपए देने पड़ेंगे, अदा करने पड़ेंगे, ये निकालना है, तो हम देख लेते हैं अभी कितनी कीमत देनी पड़ रही है, और जब हम दूसरा तरीका बताऊंगा उसमें कितनी कीमत देनी पड़ रही है, हम ये देखेंगे कितनी कीमत में फ़र्क आ रहा है हमारी। तो इसके लिए हमें देने पड़ रहे हैं 58,00,000 रुपये, 96,800 रुपये, इतने रुपये हमें चुकाने पड़ेंगे अगर हम इस रेट से ख़रीद रहे हैं इतने प्लॉट को। अब इसी प्लॉट को अगर हम एक और कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, मैं जिसे कह रहा हूँ गलत है, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसकी सही गणना करें तो यहाँ पे फ़र्क मिलेगा आपको, तो आपकी रेट पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा ये देखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो गुणा करी हमने, यही बेसिक गलत है। होना क्या चाहिए था, जो ये 54 फुट 6 इंच है, ये लंबाई है, चौड़ाई 21 फुट 6 इंच है, इसको हम दशमलव में नहीं लिख रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंच में। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान है, 1 फुट में हमें पता है होते हैं 12 इंच, तो 54 फुट में हो जाएंगे 54 × 12, 6 इंच हमारे पास पहले से ही इसमें जुड़ जाएंगे, तो 54 की 12 से गुणा करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 648, 6 और जोड़ देंगे इसमें हमारे पास जाएंगे 654 इंच। तो अब ये हमारी लंबाई इंच में हमें मिल चुकी है। तो आप देखिए कैसे हम सही गुणा पर पहुँच रहे हैं। इसी प्रकार हम 21 फुट 6 इंच को इंच में बदल देंगे, तो इंच में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो अब 21 फुट 6 इंच को भी हम इंच में बदल रहे हैं, तो 21 फुट को 12 से गुणा कर दे बन गए इंच,
छः और उसमें ऐड कर देंगे तो 21 की अगर 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 252 और 6 उसमें जोड़ देंगे हमारे पास आ गया 258 इंच। जो हमारी लंबाई पहले फुट और इंच में थी अब वो इंच में हो गई है, तो हमारा नया जो लंबाई है वो 654 इंच, नई चौड़ाई कितनी हो गई 258 इंच। अब जो क्षेत्रफल है अब देखिए अब कितना आ रहा है इंच में, तो 654 की अगर हम 258 से गुणा कर वर्ग इंच में 654 की अगर हम 258 से गुणा करेंगे तो जो एरिया आएगा इंच की इंच से गुणा कर रहे हैं तो ये एरिया आएगा वर्ग इंच में एक्चुअली, तो वर्ग इंच में कितना एरिया आ जाएगा, वर्ग इंच में एरिया आ जाएगा आपका 100, ये एरिया आपका वर्ग इंच में आ गया, पास जो एरिया आ चुका है 168,732 वर्ग इंच, और ये एरिया आया वर्ग इंच में, और हमें जो रेट पता चले हैं वर्ग फुट में चले पता है, तो उसके लिए हमें दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, वर्ग फुट में। अब वर्ग इंच को वर्ग फुट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो वर्ग फुट को कन्वर्ट करने के लिए आपको आपको पता है कि 12 इंच में आपके होते हैं एक फुट, तो 12 इंच गुणा 12 इंच और एक फुट गुणा एक फुट, अब ये वर्ग इंच हो गए और ये वर्ग फुट हो गए, यानी 144 स्क्वायर इंच में, वर्ग इंच को स्क्वायर इंच बोल दिया इंग्लिश में मैंने, और ये एक स्क्वायर फुट हो गया, यानी आपको इसको 144 से भाग कर दोगे आप तो आपको मिल जाएंगे वर्ग फुट, तो इसको 144 से भाग भी कर देते हैं, तो अब जो ये हमारे वर्ग इंच थे ये वर्ग फुट बन गए, तो देखते हैं कितने वर्ग फुट बने हमारे, बोलो देख लेते हैं कि हमारे पास कितने वर्ग फुट बने, तुम्हारे वर्ग फुट आए 1171.75 वर्ग फुट, तो इसीलिए आपको इतनी देर से मैं गुणा ये गणित से बता रहा था, इतना बड़ा फर्क आया, आपने अगर पेशेंस से मेरी बात सुनी है तो आप देखिए जो पहले हमने गुणा की थी लंबाई की चौड़ाई से तो आया था 1179.36, अब आया है 1171.75, तो आप देख रहे हो पूरा पूरा 7 फुट का फर्क आ रहा है, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो लगभग में ले लेते हैं तो 7 वर्ग फुट का फर्क आ रहा है हमारे पास, 7 वर्ग फुट का मतलब है 5000 वर्ग फीट, 5,35,000 लगभग 35,000 रुपये का आपको नुकसान हो चुका है अगर आपने ऐसे पे किए, ऐसे पे करोगे 35,000 रुपये की आपकी बच जाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है, तो मैंने एग्जांपल लिया जैसे जैसे प्लॉट की डायमेंशन बदलेंगी रेट बदलेंगे, 5,000 है 22,000 रुपये वर्ग फुट, या उस तरह से आपका ये जो नुकसान है वो लाखों में भी हो सकता है, क्योंकि ज़मीन की कीमत नपते हुए इंच के भी में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये नुकसान आपके दोस्तों आपके साथियों को ना हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम इसकी एक्चुअल कीमत निकालेंगे, यानी इसकी हमारी कीमत चल रही थी 5,000 वर्ग फुट जो हमने उदाहरण के लिए तय की थी, तो इसकी 5,000 से गुणा और कर देते हैं, तो लीजिए हम 5,000 से इसकी गुणा और कर देते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 5,000 एग्जाम्पल लिया है, तो अब आ गया 58,758,750, यानी आपको पहले देने पड़ रहे थे 58,96,800 रुपये, अब देने पड़ रहे हैं 58,58,750 रुपये, तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा फ़र्क है इन दोनों के, अगर फ़र्क को देखोगे तो देखिए फ़र्क भी दिखा देते हैं आपको, इसमें माइनस कर देते हैं तो माइनस मान कर जाएगा, क्या है हमारे पास पहले था 58,96,800 और अब आप देखिए 38,050 रुपये का, 38,050 रुपये, 35,000 तो मैंने मोटा मोटा लगाया था, 7 मान लिया था मैंने इनका अंतर, पर अगर एग्जैक्ट निकालेंगे तो 38,050 रुपये आपको इस छोटे से प्लॉट खरीदने में नुकसान उठाना पड़ रहा है, अगर आप जितना ज़्यादा बड़ा प्लॉट खरीदेंगे तो वो नुकसान तो इस छोटे से प्लॉट खरीदने में आपको ये नुकसान उठाना पड़ रहा है 38,000 रुपये का लगभग, और जितना बड़ा प्लॉट करेंगे ये नुकसान लाखों में भी हो सकता है, तो इसलिए आप गलत कैलकुलेशन ना करें सही तरह से करें, मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, एक्चुअली हुआ क्या है कि जब हम जो नाप रहे हैं 21 फुट 6 इंच 54 फुट 6 इंच इसको जो गुणा करना करने का गलत तरीका है, इस तरह को मैं इसे गलत बोल रहा हूँ, अभी गलत क्यों होता है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं उसकी ओर भी इशारा करके जाऊँगा, क्या है सही तरीका है इसको पहले आप इंच में कन्वर्ट कर लीजिए फुट को,
इंच में कैसे कन्वर्ट करोगे, 12 से गुणा कर कर जो बचे हुए इंच उसमें जोड़ दो, तो ये भी इंच बन गए, ये भी इंच बन गए, इन दोनों गुणा करेंगे तो आपका वर्ग इंच में आएगा जो क्षेत्रफल आया है। वर्ग इंच को वर्ग फुट में बदलने के लिए 144 से भाग कर देना, जब आप 144 से भाग कर दोगे तो आ गया वर्ग फुट, तो ये वर्ग फुट आपका अलग आएगा, ये आप असली जो क्षेत्रफल है वो ये है, इसके पैसे आपको देने चाहिए। तो इसके इससे आपके आप देख रहे हो कि इस प्लॉट में तो आया था 7 वर्ग फुट का लगभग अंतर, उससे आपकी कीमत पे लगभग 35,000 रुपये का, लगभग 38,000 रुपये का फर्क पड़ गया। तो अभी हमने जो गुणा भाग की, तो गुणा भाग आप भी करके देख सकते हैं, पर सामान्यतः जैसे हम कोई बताता है कि भाई कितने का प्लॉट है, नाप के देख लेते हैं, ज़्यादा ज़्यादा यकीन नहीं करते, तो आप नापोगे तो इतने फुट इतने इंच, जैसे मेरे एग्जाम्पल में 21 फुट 6 इंच चौड़ाई और 54 फुट 6 इंच लंबाई थी, उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया निकाल लेते हैं और जो रेट होते हैं गज के हिसाब से फुट को गज में कन्वर्ट करते हैं, हम मल्टीप्लाई करके पैसे दे देते हैं। पर जब मैंने उसे इंच में करके बदला तो आप देख रहे हैं कि लगभग पॉइंट वाले को मैं नहीं गिन रहा, 7 वर्ग फुट का अंतर आ रहा है। तो 7 वर्ग फुट में जब गज में बदलेंगे तो कितने हज़ारों रुपये की चपत लगी हमें देने वाले को, उसने मेरे बात का फायदा, जाने अनजाने में गलती हुई, मैं नहीं कह रहा कोई जान मुझे गलती कर रहा है, पर इस गणित के जरा से गलती करने से हमें हज़ार, मान लो जमीन की 25,000 रुपये का जो जमीन कीमत, 50,000 रुपये का जो, जितने ज़्यादा जमीन की कीमत होगी उतना बड़ा नुकसान होगा, और ये नुकसान आपने उठाया भी होगा, आगे आप ना उठाएं, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब ये गलती क्यों होती है उस पर भी आपको मैं इशारा कर देता हूँ, आप खुद भी सोचिए कि ये गलती हमसे क्यों हो जाती है, कि जब हम वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले तो हमारा क्षेत्रफल कुछ और आता है, पर जब हम कन्वर्ट करके कर रहे हैं तो एरिया तो किसी प्लॉट तो उतना ही है, अब कन्वर्ट करें या ना करें एरिया तो नहीं बदलना चाहिए था, पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपके माइंड में इसके पीछे का स्कूल का गणित जो है ये हमारी बुनियादी गणित थोड़ा सा कमज़ोर रहती है। देख रहे हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक ही एरिया निकाल लेते, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई को नापी चौड़ाई को नापी और मल्टीप्लाई कर दी, फिर जब हमने कन्वर्ट करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि क्यों इतना फ़र्क आ रहा है, तो ये एक बड़ा सवाल रह जाता है। पर सवाल तो ठीक है, पर जो हमें नुकसान हो रहा है वो बड़ी समस्या है, जो हज़ारों लाखों रुपये मेहनत की कमाई है वो हम यूँ ही जरा सी गणित की गलती से कर देते हैं। तो पहले आप लोगों से यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पता चले जिससे बाकी लोग सही गणना कर सकें और अपनी मेहनत की कीमती कमाई को ऐसे जाया ना करें, एक जासी गलती से हमें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ जाता है। मतलब कहने का ये है कि जब आप लंबाई को नाप रहे हैं तो जैसे जितने पॉइंट के बाद आती है 50.6 फीट 50.2 फीट, तो जो ये पॉइंट के बाद होती है तो उनकी अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो एग्जैक्ट एरिया है ही नहीं, वो एरिया गलत होता है। उसको आप कन्वर्ट करोगे इंच में या वर्ग फुट में, एक जैसे मात्रक में, जैसे मैंने इंच में कन्वर्ट किया, इंच में कन्वर्ट के लिए मैंने यहाँ 12 से मल्टीप्लाई की थी, 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने वो मेरा जो आंसर आया था वर्ग इंच में आएगा, क्योंकि हमने इंच बदल लिया है, वर्ग इंच को वर्ग फुट में बदलने के लिए मैंने 144 से भाग की थी, वर्ग इंच को वर्ग फुट बदलने के लिए 144 से भाग करते हैं, तो हमारा जो जवाब आएगा वर्ग फुट में आएगा। अब वर्ग फुट को हम गज में बदल लेंगे, है ना, तो गज में बदलने के बाद जो हमारे रेट तय हुए हैं, अगर वर्ग फुट में पता है तो ठीक है, नहीं गज में, अमूमन सब गज में बताते हैं हमारी तरफ, तो मैं नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश बिजनौर से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर गज में चलते हैं जमीन के रेट, तो गज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी गलती होती क्यों है, है ना, तो गलती क्यों होती है, क्योंकि गलती का रीजन भी आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं तो ये मेरा बोनस है, जो लोग यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हैं उनको उनकी हिंट भी दी जा रही है। जनरली जो हमारा डेसिमल सिस्टम है उसमें हम पॉइंट के बाद लिखते हैं 1.2, तो 1.2 का मतलब है 2/10, 0.24 का मतलब है 4/100, ये 10 पे आधारित है। जो हम 12 फुट और इंच की बात करते हैं तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो ये जो पॉइंट हम लगा देते हैं ये लिखना यही गलत है। हम 12 फुट अगर कोई लंबाई नापी प्लॉट की, जैसे हमारे केस में थी 54.6, तो 54.6 लिख ही नहीं सकते, ये 54 फुट 6 इंच है, इनको कन्वर्ट करेंगे तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के पॉइंट 6 का मतलब 6/10 हो जाएगा, ये 10वां भाग नहीं है, ये 12वां भाग है। ये जो लिख जदबाजी में हम पॉइंट की आदत हो गई है लिखने की, तो यही हम लिखने में चूक कर जाते हैं, और लिखने में चूक कर जाते हैं तो एरिया गलत का निकाल लेते हैं, और गलत एरिया निकालने से हमारे हजारों लाखों रुपये का हम पर नुकसान हो जाता है। तो ये तो उन लोगों के लिए जो गणित में रुचि रखते हैं कि क्यों गलती होती है, इस पर और आप और विस्तार से कमेंट बॉक्स में हम चर्चा कर सकते हैं। तो आप लोगों को शायद बात समझ में आ गई होगी।